एंड वेस्ट बेंगल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के सम्पूर्ण भावे समर्थन जानाते आपनार अनुमतिते। देशभर में कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के खिलाफ जारी विरोध के बीच ममता सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर अपराजिता महिला और बाल बिल 2024 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। ये बिल राज्य में पहले से लागू आपराधिक कानूनों की लिस्ट में संशोधन प्रस्तावित करता है। ये बिल भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट यानी पॉक्सो के कुछ प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित करता है। इस कानून के तहत बलात्कार और हत्या के मामलों में या बलात्कार के ऐसे मामलों में जहां पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान है। विधानसभा में भाजपा ने वादे के अनुसार विधेयक का समर्थन किया और मत विभाजन की मांग नहीं की। अब जानते हैं इस बिल की खास बातें क्या हैं। रेप से जुड़े केसों में प्राथमिक सूचना मिलने के 21 दिनों के अंदर मामले की जाँच पूरी कर ली जाएगी। अगर 21 दिनों के अंदर केस अधिकारी जांच पूरी नहीं कर पाते हैं तो केस की जांच पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंप दी जाएगी। जांच का हैंडओवर मिलने के बाद नए अधिकारी के पास जांच पूरी करने के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय होगा। पुलिस के विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा जो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के केसों की जांच करने के लिए उचित संसाधनों से लैस होगा। केसों की जांच के लिए अपराजिता टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा जो जिला लेवल की टीम होगी और इस टीम की अगुवाई पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। ऐसे केसों की सुनवाई के लिए स्पेशल अदालतों का गठन किया जाएगा। अगर रेप केस में पीड़िता की मौत हो जाती है या पीड़िता निश्चेतना अवस्था में पहुंच जाती है तो दोषी को सजाए मौत दे दी जाएगी। मौत या निश्चेतना की स्थिति न आने पर रेप या गैंग रेप के दोषियों को जीवन के अंत तक आजीवन कारावास काटना होगा। विक्टिम की पहचान उजागर करने पर 3 से 5 साल की जेल होगी। बिना इजाजत अदालत की कार्यवाही को प्रकाशित करने पर 3 से 5 साल की जेल होगी। एसिड अटैक करने पर जीवन के अंत तक आजीवन कारावास होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह शर्म की बात है, प्रधानमंत्री वो काम नहीं कर सके जो उनकी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा में कोई पहल नहीं कर सके, इसलिए उन्हें और केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।